नमस्कार दोस्तों, आशी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। ये हर प्रोजेक्ट में ही बहुत सुंदर लगेगा। चाहे जेंट्स स्वेटर बनाइए, लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट, कोटी, बच्चों के स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे ये बहुत ही सुंदर लगेगा। इसे बनाने के लिए 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 7 फंदा एक्स्ट्रा। तो डिज़ाइन का पहला लाइन और सामने से अब हम अपना दूसरे रंग का अटैच कर लेंगे और पहला फंदा सीधा बुनेंगे, ये एज स्टिच है। अगला फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा, फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 3, इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। एक फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनना है, फिर 3 फंदा सीधा, फिर चौथा फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा, फिर 3 फंदा सीधा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेना है। और लास्ट फंदा सीधा। डिज़ाइन का दूसरा लाइन और रॉन्ग साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा लपेटा हुआ फंदा इसे खोल लेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा, चौथा फंदा लपेटा हुआ फंदा इसे खोल लेंगे, इसे हमें बुनना नहीं है, स्लिप कर लेना है, फिर 3 फंदा उल्टा, और चौथा फंदा लपेटा हुआ फंदा है इसे खोल लेना है, स्लिप कर लेना है, फिर अगला 3 फंदा उल्टा। लपेटे हुए फंदे को खोलना है, इसे स्लिप करना है, बुनना नहीं है, और 3 बुने हुए फंदों को बुन लेना है। चौथे फंदे को स्लिप करना है, 3 फंदे को बुनना है, चौथे फंदे को स्लिप करना है, लास्ट फंदा उल्टा। सिलाई डिज़ाइन का तीसरा लाइन सामने से और अब अपने प्राइमरी कलर से पहला फंदा सीधा, दूसरा लपेटा हुआ फंदा है इसे हमको स्लिप कर लेना है, फिर 3 फंदा सीधा, चौथा लपेटा हुआ फंदा है इसे स्लिप करना है, फिर 3 फंदा सीधा, चौथा फंदे को स्लिप करना है, फिर 3 फंदा सीधा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन का चौथा लाइन और रॉन्ग साइड, पहला फंदा एज स्टिच है उसे स्लिप कर लेंगे, दूसरा फंदा लपेटा हुआ फंदा है इसे स्लिप कर लेंगे, अब उन दूसरी ओर करेंगे और बुने हुए 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, बुने हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट फंदे को उल्टा बुनेंगे। डिज़ाइन का पांचवा लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा लपेटा हुआ फंदा है इसको भी स्लिप कर लेंगे, अब ऊन अपनी ओर करेंगे और 3 बुने हुए फंदों को उल्टा बुन लेंगे, ऊन दूसरी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे, दूसरी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे, और लास्ट फंदा सीधा। डिज़ाइन का छठा लाइन और रॉन्ग साइड, स्लिप पहला फंदा एज स्टिच है उसे स्लिप कर देंगे, दूसरा फंदा स्लिप किया हुआ है इसे भी स्लिप कर लेंगे, अब उन दूसरी ओर करेंगे, बुने हुए 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। रॉन्ग साइड से देखिए, हम दूसरे रंग के ऊन का जो जितने भी फंदे हैं उन्हें हम सीधा बुन रहे हैं। इनका सातवां लाइन और सामने से अब अपने हम सेकेंडरी कलर से बुनेंगे, तो पहला फंदा सीधा, अब इन दोनों फंदों को, जो दोनों ये फंदे हैं, इन्हें हम आपस में ट्विस्ट करा देंगे, बीच में, दोनों के बीच में ये 3 फंदे रहेंगे और दोनों को आपस में ऐसे ट्विस्ट करा देंगे। अब
इन फंदों को वापस हम लपेटते हुए ही बुनेंगे। बीच के 3 फंदे सीधा और ट्विस्ट कराए गए फंदे, फिर सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। बीच का फंदा सीधा, अब हम वापस इन दोनों फंदों को आपस में ट्विस्ट करा देंगे। और ट्विस्ट कराए गए फंदों को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। बीच के 3 फंदे सीधे और ये दूसरा ट्विस्ट कराया गया फंदा, तो इसको भी सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। फिर बीच के 3 फंदे सीधे, देखिए, और फिर हम इन दोनों फंदों को आपस में ट्विस्ट करा देंगे, उनका जगह आपस में बदल देंगे। ट्विस्ट कराया गया फंदे को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनना है। बीच के 3 फंदे सीधे और दूसरा ट्विस्ट कराया गया फंदा, इसे भी सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा, लास्ट फंदा सीधा, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और लपेटा हुआ फंदा हम खोलेंगे, इसे बुनना नहीं है, स्लिप कर देना है। और बीच के 3 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, लपेटा हुआ फंदा खोलेंगे, इसे स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अगला 4 लाइन अपनी प्राइमरी कलर से, और जैसे हमने 3, 4, 5, 6 बुना था वैसे ही बुनेंगे। लपेटे हुए फंदे को स्लिप करते जाएंगे, बीच के फंदे को सीधा बुनेंगे, तीसरी लाइन की तरह हम इसे बुनेंगे। 10वीं लाइन चौथी लाइन की तरह, यानी पहला फंदा स्लिप कर देंगे, लपेटा हुआ फंदा स्लिप करेंगे और बुना हुआ सभी फंदा सीधा बुनते जाएंगे। स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करते जाएंगे और बुना हुआ सभी फंदा सीधा बुनते जाएंगे। 4वीं लाइन 5वीं लाइन की तरह बनाया जाएगा, यानी पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, दूसरा लपेटा हुआ फंदा इसे स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, बुना हुआ सभी फंदा उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करते जाएंगे। और रॉन्ग साइड से पहला फंदा एज स्टिच है इसे स्लिप कर लेंगे, दूसरा लपेटा हुआ फंदा है इसे स्लिप कर लेंगे, अब बुने हुए सारे फंदे सीधे बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करते जाएंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे, बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे। ये प्राइमरी कलर से 4 लाइन कंप्लीट होने के बाद अब हम फिर अपना सेकेंडरी कलर लेंगे। पहला फंदा सीधा और दूसरा फंदा भी ये लपेटा हुआ फंदा है, इसको भी सीधा बुनेंगे लेकिन सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा। फिर 3 फंदे सीधे और फ्रेंड्स अब हमें ये दोनों फंदे आपस में इनका जगह बदलना है। ध्यान से देखिएगा, इसको हम फिर लपेटे हुए फंदे को 2 बार सिलाई में ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। बीच के फंदे सीधे और ये दूसरा लपेटा हुआ फंदा है, तो इसे भी सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा। फिर 3 फंदे सीधे और अब फिर हमें इन दोनों फंदों का आपस में जगह बदलना है। तो सो गिरा दीजिए, 3 फंदा दाहिने हाथ की सिलाई में लीजिए, दूसरे लपेटे फंदे को भी गिराइए, पहले वाले को बाएं हाथ की सिलाई में लीजिए, 3 फंदा वापस लीजिए और दूसरा वाला फिर से इसके आगे कर दीजिए और ये सीधा होना चाहिए। और फिर लपेटे हुए फंदे को लपेटते हुए 2 बार सिलाई में सीधा बुनिए, 3 फंदा सीधा और फिर दूसरा लपेटा हुआ फंदा, इसको भी सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनिए। फिर 3 फंदा सीधा और ये लपेटा हुआ फंदा, इसको इसी जगह पे सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा, लास्ट फंदा सीधा। रॉन्ग साइड से
सभी फंदे उल्टे बुनेंगे, बुने हुए सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, लपेटा हुआ फंदा खोल दिया जाएगा, इसे स्लिप किया जाएगा, फिर तीन फंदे उल्टे, लपेटा हुआ फंदा खोला जाएगा, इसे स्लिप कर लिया जाएगा, फिर तीन फंदे उल्टे, इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। देखिए, इसे मैंने बनाया हुआ है, कित बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और रॉन्ग साइड से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।